कैबिनेट की मीटिंग के बाद इस वक्त अनुराग ठाकुर ब्रीफ कर रहे हैं, आइए देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिससे आज आपको अवगत कराने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं सबसे पहले तो माननीय रेलवे मंत्री, टेलीकॉम एवं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमारे माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मेरे सहयोगी श्री एल मुर्गन जी जो हमारे MOS हैं फिशरीज भी और साथ में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के भी, अरुण गोयल जी, अंशु प्रकाश जी, उपस्थित सभी मीडिया के मित्रों, जैसा आपने देखा है पिछले कुछ वर्षों में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बल देने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार एक के बाद दूसरी योजना को बल दिया गया है और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स बहुत कारगर साबित हुई हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लिए इन योजनाओं को पहले भी लागू किया गया और हर क्षेत्र में इसका लाभ देखने को मिला है। आज सरकार ने भारत में विनिर्माण की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो उद्योग, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री जो है उसको और ड्रोन इंडस्ट्री, इन तीनों को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इनके लिए लेकर आए हैं। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री, ड्रोन इंडस्ट्री टू इन्हांस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। और इस योजना में कुल मिलाकर 26,058 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। PLI स्कीम जो हमारी ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए है, इसके कुल मिलाकर 26,058 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रुपये का प्रावधान रहेगा और ड्रोन सेक्टर के लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना से देश में एडवांस ऑटोमोबाइल व्हीकल्स और ऑटो कंपोनेंट्स और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को काफी निर्माण करने में बल मिलेगा और इन क्षेत्रों में चैंपियन इंडस्ट्रीज को विकसित करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। अनुमान है कि 5 वर्षों में लगभग 47,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा और लगभग 7,60,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। इसके अलावा भी जैसा मैंने कहा कि इंसेंटिव 26,058 करोड़ रुपये के अगले 5 वर्षों तक रहेंगे, इससे जहां एक और नई इन्वेस्टमेंट आएगी तो दूसरी ओर यह भी कहना चाहता हूं कि जो पहले की हमने PLI मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स को देखें, PLI स्कीम्स को देखें, उसमें मोबाइल फोन्स पर, मेडिकल डिवाइसेस पर, API पर, इनको पहले 2020 में अनुमोदित किया गया था और उसके उपरांत 2020 के बाद 10 और चयनित सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम्स को इन प्रिंसिपल मंजूरी दी गई थी। इनमें से 9 विस्तृत PLI स्कीम्स को अनुमोदित अब तक किया जा चुका है और 10वीं आज आप सबके सामने मैंने उसका उल्लेख किया है। अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो देश की मैन्युफैक्चरिंग GDP में इसका लगभग 35% योगदान है। ये रोजगार सृजन में अग्रणी है और अगर हम ग्लोबल ऑटोमोटिव ट्रेड की बात करें तो भारत का हिस्सा अगर वहां पर 2% है तो उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और जिस तरह से हम नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आज की मांग और भविष्य की मांग को भी पूरा किया जाए, उस दृष्टि से स्थानीय बाजार के लिए भी इसको PLI स्कीम को लाया गया है ताकि हमारी इंडस्ट्री को उससे बल मिल सके। इस परिप्रेक्ष्य में PLI स्कीम में जो एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को इंसेंटिव किया जाना जो इसमें प्रस्तावित है, वो इसलिए भी है कि भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर बन सके और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में है उसका भी हम उपयोग कर सकें।
आज जितने ऑटो कंपोनेंट विदेश से आते भी हैं उसका भी निर्माण देश में हो। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बल देने की जब हम बात करते हैं तो उसमें इसका लाभ मिलेगा। और अगर आप देखें तो कुल मिलाकर अगर हम व्हीकल एक्सपोर्ट की बात करें तो 12 बिलियन डॉलर का व्हीकल एक्सपोर्ट हम आज की डेट में करते हैं, कंपोनेंट एक्सपोर्ट हम 15 बिलियन डॉलर का करते हैं, लेकिन कंपोनेंट इंपोर्ट जो है 17 बिलियन डॉलर का करते हैं। तो 17 बिलियन डॉलर के कंपोनेंट इंपोर्ट को कम करने के लिए उस दिशा में भी ये कदम होंगे। और कहीं ना कहीं जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बल मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग यहां बढ़ती है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे और क्षेत्रों को भी बल मिलता है। वर्तमान में ऑटोमोटिव कंपनियों का या इस क्षेत्र में आने वाले इन्वेस्टर्स दोनों ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे और ऐसी ऑटोमोटिव कंपनियां ही इसका लाभ लेने की पात्र होंगी जो रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट की निर्धारित शर्तों को पूरा कर पाएंगी। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।